तो एरे, हमने आपको बताया था कि हम एरे का इस्तेमाल करते हैं, और एरे के इस्तेमाल में हमने आपको बताया था कि हम डेटा को कैलकुलेट, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट और डेटा को स्टोर करते हैं। अब चलिए कुछ एरे के कुछ पर्टिकुलर ये देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट की पहले बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 हमने लिखा हुआ है और मुझे इनको आपस में जोड़ना है, या फिर 5 6 7 है, मुझे इसको आपस में जोड़ना है, मतलब 5 प्लस 6 प्लस 3। कैसे करेंगे? तो हम सम का यूज करेंगे और इसमें मिड का यूज करेंगे। मिड में इसको लेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे 1, 2, 3 एंड यहाँ पे (1) कर देंगे, एंटर प्रेस करें, रिजल्ट 0 आया। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है। तो यहाँ एवलेट फॉर्मूला में हम जा रहे हैं, तो आप देखिए कि 5 6 3 को इसने अलग अलग क्या किया हुआ है, तोड़ दिया है। देखिए, पर सम फिर भी सम नहीं कर पा रहा है क्योंकि मिड फॉर्मूला टेक्स्ट कैटेगरी का फॉर्मूला है, हमेशा टेक्स्ट ही देता है, इसलिए इसने 0 दिया। तो इसके लिए हम मिड के रिजल्ट को वैल्यू में डाल दें या मिड के रिजल्ट पे +0 कर दें। अब रिजल्ट आ गया। अब कैसे आया एक बार देख लीजिए, एवलेट किया हमने, ये रहा, आ गया 5 6 3, सम हो गया। बट मेरे पास इसको थोड़ा सा डायनेमिक करना है क्योंकि हमने यहाँ लिखा तो 3 ही लेटर को कर रहा है, सारे को नहीं कर रहा है। तो ये जो 1 2 3 हमने मैनुअली लिखा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सीरीज फॉर्मूले के अंदर डाल देंगे, सीक्वेंस, सॉरी, सीक्वेंस फॉर्मूले के अंदर। सीक्वेंस रो कितना है, तो हमने बोला लेन, इसकी जितनी लेंथ है उतना लेन होगा, और कितने कॉलम, एक कॉलम स्टार्ट से रन है और एक एक का स्टेप है। एंटर प्रेस कर दिया, 20 आ गया। कैसे वर्क किया देख लीजिए। तो सबसे पहले A2 चला, A2 ने रिजल्ट दिया 4 5 6 3, 4 5 6 3। और ए आपके सामने 5 हो गया, एक एक करके 1 से लेके 5 तक का सीक्वेंस कर दिया, फिर मिड ने 5 को अलग किया, +0 होने से कन्वर्ट हुआ नंबर में, ए आपके पास टोटल आ गया। अब इसका यूज कहाँ पे होता है इस तरह के कंसेप्ट को, तो चलिए हम आते हैं अपने फाइनेंशियल फॉर्मूले की तरफ। जैसे पी प्रिंसिपल हो गया, आर हो गया, और यहाँ पे टाइम हो गया। 50,000 का लोन हमने लिया, इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 10% का, टाइम है मान लीजिए 3 साल, ठीक है। और यहाँ हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे ईएमआई निकाला, पीएमटी फॉर्मूले से। किसके फॉर्मूले से? पीएमटी फॉर्मूले से। तो पीएमटी फॉर्मूले में हमने इसको रेट को ले लिया डिवाइड करके 12, टाइम ले लिया हमने मल्टीप्लाई बाई 12, एंड पी भी आ गया हमारे पास 50,000। रिजल्ट आ गया 1613, 1613। ओके, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि मैं ये जो हमारा है 36 महीने का है ना, 3 साल, हम बात करें 36 महीने का, तो मैं 20वें महीने लोन को कर रहा हूँ क्लोज,
तो 20 महीने में हमने कितना प्रिंसिपल, कितना अमाउंट जमा किया, क्योंकि 20 महीने में टोटल पैसा तो हमने जमा किया है ए 32,000, लेकिन 32,000 एग्जैक्ट जमा तो हुआ नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसे यहाँ पे लिखते हैं मंथ, कि पहले में यहाँ पे पहले महीने कितना प्रिंसिपल था, कितना रेट था। तो इसको निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पीपीएमटी फॉर्मूला। पीपीएमटी, हमने रेट, यहाँ पे हमारा रेट है, रेट 10% डिवाइड बाई 12 टाइम हमारा हो जाएगा, टाइम नहीं नंबर, पर कौन सा महीना है, और फिर टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, और फिर पीवी जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 50,000। एंटरप्राइज किया तो 1196 प्रिंसिपल था, और रेट, अरे सॉरी, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के लिए भी आईपीएमटी लगता है सेम तरीके से। पर ये पहले महीना निकाला, फिर दूसरे महीने में 1200 था, तीसरे महीने में, चौथे महीने, पांचवे में, ऐसे एक एक महीने का निकाल कर देता है। तो मुझे सारे महीने का प्रिंसिपल चाहिए, 200 महीने का। तो यहाँ हम सम के अंदर डालेंगे पीपीएमटी, रेट हमारा 10% डिवाइड बाई 12 पर। तो इसमें मैंने अपना फॉर्मूला ला सिक्वेंस का, सिक्वेंस रो नंबर 20 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए 20 है, कॉलन 1 है, एक से स्टार्ट है, एक का स्टेप है, और यहाँ हमने डाला अपना टाइम मल्टीप्लाई बाई 12, और हमने डाला यहाँ पे प्रिंसिपल 50,000। एंटर प्रेस कीजिए, अगर ओके, ये आपका दिख गया कि 32,000 के रुपए में 25,926 रुपए का इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट हमने पे किया होगा। ठीक है, इस तरह इस किस में इसका यूज करते हैं। कैसे वर्क हुआ आप देख सकते हैं, वर्क कैसे हुआ यहाँ पे। रिजल्ट आपके सामने, चलिए इसमें अब ये हो गई कि डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट। अब बात करते हैं कुछ और, जैसे हम बात करते हैं इसमें कंडीशंस लगाने की बात करते हैं। कंडीशंस कैसे लगेगी सर, कंडीशंस मतलब कि इफ का यूज हम कैसे करेंगे। जैसे हमने यहां पे नेम दिया, और यहां पे हमने सेल्स दिया, मुझे इसमें पूजा और मोहन का टोटल चाहिए। तो यहां पे करेंगे सम, सम में देंगे इफ, इफ में हम देंगे कि अगर ए इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट में हमने इन्वर्टर कॉमा में लिखा पूजा कॉमा अगेन मोहन, मोहन ऐसा हो तो ए रिटर्न करें। एंटरप्राइज कीजिए, रिजल्ट आपके सामने 110 आ गया। तो इस तरह से इफ कंडीशन लगा सकते हैं। पहले हम लोगों का मैक्स इफ का फॉर्मूला नहीं हुआ करता था, तो हम लोग इसी मेथड से यूज करते थे, मैक्सिमम निकालना, सम निकालना, इसी हिसाब से। ठीक है सर, सर तो आप, मैं बता रहा हूं क्योंकि एरे जो है नॉट अ लिस्ट, कोई लिस्ट नहीं है, एरे लगाने का तरीका है। अगर समझ में नहीं आया तो 100 एग्जाम्पल